यहां नागन है। लेकिन याद रहे, ये कोई साधारण नागन नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली नागन है। तुम सबने ताबीज पहन रखी है, इसलिए तुम सबके नजदीक तो नहीं आएगी, फिर भी अपना ख्याल रखना। एक बात और, मैं आप सबको इस अभिमंत्रित भभूत को दे रहा हूं, यदि वो नागन भागने की कोशिश करे तो इस अभिमंत्रित भभूत को उसके ऊपर फेंक देना, इससे वो कमजोर पड़ जाएगी। मूर्ख दोस्त से चालाक दुश्मन अच्छा होता है। इस विभूति की शक्ति को अगर नागिन ने महसूस कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी। एक बात तुम सब ध्यान से सुन लो, अब अगर किसी ने गलती की तो हम सबकी जान जा सकती है। ये नागन कोई साधारण नागन नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली नागन है, और कोई भी नागन अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए अब बिना कोई गलती किए इस नागन को पकड़ना है। ऐसे शुभ काम में विघ्न आना अच्छी बात नहीं है, तो गाड़ी भी खराब हो चुकी है, पता नहीं हम जा भी पाएंगे या नहीं। लेकिन अब हम घर वापस भी तो नहीं जा सकते, अब तक तो बाबा गोरखदास अपने शिष्यों के साथ उस नागिन को पकड़ने के लिए वहां पहुंच भी गए होंगे। कृष्ण को रोक लीजिए।
अगर वो इस समय घर चला गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वो अपने प्यार को एक नागिन के रूप में कभी नहीं देखेगा। कृष बेटा, तुम भी हमारे साथ ही गाड़ी में आ जाओ, बहुत जगह है उसमें, बैठ जाएंगे सब आराम से। नहीं माँ, आप लोग जाइए अलमारी। मेरे और आपकी तो कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तो आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया और बिना कोई वजह के कोई पत्थर को भी ठोकर नहीं मारती, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तेरी जैसी नागिन और मेरे जैसे सफेरे का तो सदियों सदियों से दुश्मनी है। तू एक जहरीली नागिन है, तुझे तो जंगल में रहना चाहिए, लेकिन तू आम इंसानों के बीच में रह रही है। तुझे कोई हक नहीं है किसी की पत्नी बनकर उसके घर में उसके साथ रहने का। किसी नागिन को बस में करना इतना आसान नहीं होता। अभी तक तो बाबा जी राधिका को पकड़ भी नहीं पाए होंगे अपने असली स्वरूप में। अगर कृष्ण ने उसे इस हाल में देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। आपने रोका क्यों नहीं? मेरी समझ में नहीं आई कैसे रोकूं? क्या बात है, क्या कह रहे हो तुम मां से? आप तो भोलेनाथ के भक्त हैं और वही तो हमारे इष्ट देव हैं। भला एक ही पिता के दो बच्चे एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? और बाबा आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरा और मेरे पति का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का है। और अपने पिछले जन्म की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए हमने ये जन्म लिया है। तेरी इतनी हिम्मत, पुरु तेरे बारे में सही कह रहा था, तू एक नंबर का पाखंडी है, पाखंडी। पकड़ लो इसे। छोड़ो, छोड़ो। दे दे मुझे वो नागमणि, वरना मैं तेरे पति को मारकर तुम दोनों की कहानी यही खत्म कर दूंगा।